हेलो एवरीवन, आई एम शुभम। वेलकम टू माय चैनल ब्रिंक्स ब्रेन। आप लोगों ने काफ़ी सारे अपने डाउट्स कमेंट किए NIT जमशेदपुर को लेकर के, तो उन सारे डाउट्स को मैं आज आंसर करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। एक तरह से आप जब पूरा वीडियो देखिएगा तो सबको समझ में आ जाएगा कि NIT जमशेदपुर के ऊपर लेकर के शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये आपका होगा यूट्यूब पे, क्योंकि आप लोगों के काफ़ी सारे यूनिक और स्पेशल डाउट्स आया, उन सारे सवाल का मैं जवाब दूंगा आपका इस वीडियो में। जिन लोगों को नहीं पता, मैं बता दूं, मैं NIT जमशेदपुर में ही थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ, वहाँ पर सिविल डिपार्टमेंट में। और जितनी ईमानदारी और मेहनत से मैं जवाब देने वाला हूँ आप लोगों के सवाल का, उतनी ही ईमानदारी से आप लोग भी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अगर पसंद आता है तो। और मैं डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स भी दे दूंगा अलग अलग क्वेश्चंस के लिए, तो वहाँ से भी आप अपने मतलब का क्वेश्चन अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो चलिए पहले कुछ कॉमन सवाल का जवाब दे देता हूँ जो काफ़ी सारे लोगों ने पूछा हुआ था, उसके बाद हम लोग स्पेसिफिक सवाल के ऊपर बढ़ेंगे। तो एक काफ़ी कॉमन सवाल जो देखने के लिए मिला वो ये था कि ब्रांचेज होता है या नहीं होता। और ये कमेंट मुझे मतलब पिछले साल से ही आते रहता है, मैंने रिप्लाई करते करते लोगों को थक गया, कह रहे भाई ब्रांच चेंज होता है, यहाँ पर होता है, और बता एक वीडियो में मैंने बताया भी था, फिर भी लोगों को विश्वास ही नहीं है, कह रहे भैया गूगल पे दिखा रहा है नहीं होता है, कहाँ से वो लोग देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैंने 2019 में एडमिशन लिया था, यहाँ पे फर्स्ट ईयर खत्म होने के बाद ब्रांच चेंज का ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो जब मेरा फर्स्ट ईयर खत्म हुआ तो मेरे ग्रुप में नोटिस आया था ब्रांच चेंज के लिए। अभी जो जूनियर है उनके पास भी नोटिस आया, मेरे पास तो लिस्ट भी है पूरा किन किन बच्चों का ब्रांच चेंज हुआ है, पहले कौन से ब्रांच में थे और अब किस में गए, उनका प्राइवेसी शब्द मैं आपको लिस्ट नहीं दिखा सकता हूँ। तो ब्रांच चेंज होता है भाई, ठीक है, ये पक्का बात है। और हाँ, ये चीज़ यहाँ पे कि इतना इजी नहीं है, फिक्स्ड नहीं है कि हर साल आपका इस पर्टिकुलर ब्रांच में सीट खाली रहे या नहीं रहे। यहाँ पे ब्रांच चेंज जहाँ तक मुझे समझ में आया है वो ऐसे होता है कि अगर किसी डिपार्टमेंट मान लेते हैं टोटल 100 सीट्स है, ठीक है, एक साल के बाद क्या होता है, कई बच्चे छोड़ देते हैं कॉलेज, ठीक है, कहीं दूसरे कॉलेज में चले गए, कई पार्शियल ड्रॉपर भी आप सुने होंगे वैसे भी रहते हैं। तो जो कॉलेज सीट छोड़ दें या शुरुआत में ही वो सीट फुलफिल नहीं हो पाया था, तो 100 में से टोटल अगर मान लेते 10 सीट खाली है वो रह गया, एग्जांपल ऐसे 10 रहता नहीं है, जनरली 2, 3 या 4 रहेगा ही किसी ब्रांच में, ज़्यादा रहेगा नहीं, पर फॉर एग्जांपल 10 सीट खाली है अगर, तो उसमें देखा जाए कि वो 10 सीट जो खाली रह गया था वो कौन से कैटेगरी के लिए खाली रह गया था। क्योंकि हमारा जो ब्रांच चेंज का नोटिस आता है वो कैटेगरी वाइज आता है कि मान लेते इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में OBC के लिए 1 सीट खाली है, ओपन कैटेगरी के लिए 1 सीट है, EWS के लिए 1 है, SC के लिए 2 है, ST के लिए 1 भी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी साल आपका उस कैटेगरी के लिए उस ब्रांच में सीट खाली ही ना हो। तो अगर वैसा नहीं हो तो आप अपने कैटेगरी के थ्रू तो अप्लाई नहीं कर सकते, पर आपका ओपन कैटेगरी के थ्रू हो सकता है, आप अप्लाई करिएगा। अगर ओपन कैटेगरी में आपका सबसे हाईएस्ट मार्क्स रहे CGPA रहेगा तो फिर आपको उस ब्रांच में हो सकता है। तो आप समझ रहे हैं कि हर ईयर आपका उस ब्रांच में कैटेगरी वाइज कितना सीट खाली है उस हिसाब से नोटिस निकलता है और बच्चों का ब्रांच चेंज होता है। जनरली मैंने देखा CSE में काफ़ी कम ऑप्शंस रहते हैं, मतलब सीट काफ़ी कम रहता है ब्रांच चेंज के लिए, इसी में रहता है आपका ठीक अमाउंट में, फिर मैकेनिकल में भी रहता है और कुछ सिविल इलेक्ट्रिकल हो गया आपका, तो इस तरह से अलग अलग वाइज थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता है। कभी किसी ब्रांच में 3-4 सीट खाली हो गया, कभी 5, कभी 2 ही, कभी 1 ही, इस तरह से होते रहता है आपका। एक और कॉमन सवाल ये देखने के लिए मिला था कि फी रिमिशन कैसे होता है, क्या हमें पहले पूरा फी देना पड़ता है उसके बाद जो फी रिमिशन होकर के अमाउंट रिफंड होता है, या शुरुआत में ही मुझे रिमिटेड अमाउंट देना रहता है। जान रहे हो कि NITs में आपका रहता है, NITs में अगर आपका 2 लाख to 5 लाख के बीच में आपका इनकम है तो 1/3, 2/3 फी रिमिट हो जाता है, और 1 लाख से बिलो है तो आपका पूरा ट्यूशन फी रिमिट हो जाता है, ठीक है। तो जो बच्चों का ये सवाल था, मैं बता दूं कि जब पहले आप एडमिशन के समय में आपको पूरा ही फ़ी पे करना पड़ता है, उसके बाद जब आपका इनकम सर्टिफिकेट में वेरीफाई होगा आप जमा करिएगा, उसके बाद आपका रिमिटेड अमाउंट आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा, ठीक है। ये मैं पर बता रहा हूँ, मेरे समय ऐसा हुआ था, ठीक है, कि एडमिशन के समय ही आपको देना पड़ गया, उसके बाद अगले सेमेस्टर से आपका रिमिटेड अमाउंट ही डायरेक्ट आपको पे करना है। जैसे टोटल फी अराउंड 1 लाख है NIT का, आप जमशेदपुर का आपका, तो आपको शुरुआत में फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपको पूरा फी पे करना पड़ गया, और मान लेते अगले सेमेस्टर से आपका अगर फी रिमिशन आप अवेल कर रहे हैं तो आपका फी अगर मान लेते 35,000 हो रहा है अवेल कर ट्यूशन फी माइनस करने के बाद, तो नेक्स्ट सेमेस्टर से आपको केवल 35,000 ही स्टार्टिंग में ही पे करना पड़ा था, और पहला सेमेस्टर में पूरा पे करना पड़ता था। लेकिन मेरे साल, मेरे एडमिशन के पहले ईयर तक में ये ऐसा नहीं था, उन लोगों को मतलब सेकंड सेमेस्टर में भी पूरा पे करना पड़ा था और बाद में ऐसा आया था। तो ये रूल चेंज हुआ हमारे समय से, और यही रूल फिलहाल तो यही कंटिन्यू हो रहा है। अभी जो मेरे बैच के जो बच्चे हैं उनका जो सेमेस्टर का जो रजिस्ट्रेशन होता है उनमें उन लोगों को डिस्काउंटेड फी पे करना रहता है, मीन्स रिमिटेड फी पे करना रहता है, और आपका रजिस्ट्रेशन के समय आपका इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड करना रहता है, तो इस तरह से हो जाता है। नेक्स्ट सवाल पे मैं आऊँ तो ये था कि भैया सिविल के बच्चे कोडिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कोडिंग में प्लेसमेंट होता है या नहीं। इसको मैं और थोड़ा जनरलाइज बना देता हूँ, सिविल, मैकेनिकल, मेटलर्जी, प्रोडक्शन, ये चारों ब्रांच में शामिल करके बताता हूँ। चारों ब्रांच के बच्चे कोडिंग करते हैं, ठीक है, कोडिंग क्लब भी है कॉलेज में जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इन सब ब्रांच के बच्चे भी, और सीख सकते हैं कोडिंग वगैरह। पर ये चीज़ है, इन सब ब्रांचेज को मैंने बताया, मैकेनिकल, सिविल,
मेटलर्जी और प्रोडक्शन में, ऐसा नहीं इन चार ब्रांचेज के लिए बड़े बड़ी कंपनीज अलाउ नहीं करती हैं उनको अपने बैठने के लिए। जो टेक कंपनीज होती हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर का जनरली पोस्ट वगैरह जो अपॉइंट करती हैं, इन चार ब्रांचेज को अलाउ नहीं रहता बड़े बड़े टेक कंपनीज में। नॉर्मल और अलाउ किन में रहेगा आप देख सकते हैं, शायद 8-10 लाख के अराउंड उनका जो पैकेज देती है, या 12 तक इस तरह के अराउंड, मतलब 8 से 12 इस तरह के रेंज में ही आपको जो टेक कंपनीज रहती है वही अलाउ करती है इन सम ब्रांचेज को। जो बड़ी बड़ी कंपनी हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजोन हो गया, ये सब अलाउ नहीं करती है। वो किन को अलाउ करती हैं, आपका सिविल हो गया, सॉरी CSE हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन हो गया, ये तीन ब्रांच अलाउ रहते हैं। इलेक्ट्रिकल भी अलाउ रहता है, ये भी एक सवाल का मैंने जवाब दे दिया, किसी बच्चे ने ये भी पूछा हुआ था इलेक्ट्रिकल अलाउ रहता है नहीं, तो इलेक्ट्रिकल आपका रहता है, मतलब लगभग सारे बड़े कंपनी जितनी आती है हमारे कॉलेज में अलाउड रहता है, और इलेक्ट्रिकल कई सारे बच्चे लेते भी है काफ़ी, मतलब 2 साल तो मैंने देखा था कि लगातार हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल से ही पैकेज गया था 43 लाख या 39 लाख के अराउंड का, तो इलेक्ट्रिकल तक अलाउ रहता। उसके बाद जो बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, कोडिंग कंपनीज, टेक कंपनीज हो गए, वो अलाउ नहीं करती। नॉर्मल जो 6 लाख, 8 लाख, 10-12 लाख इस तरह का रहता है पैकेज जो देती है वो अलाउड रहता है उसमें, तो उसमें आप बैठ सकते हैं। एक और कॉमन सवाल ये भी देखने के लिए मिला प्लेसमेंट को लेकर, कि भैया प्लेसमेंट कैसा है, इस ब्रांच का एवरेज पैकेज क्या है, मीडियम पैकेज क्या है। अरे भैया, इतना मेहनत से मैंने वीडियो बनाया है NIT जमशेदपुर प्लेसमेंट 2021, एकदम रिसेंट प्लेसमेंट को मैंने उसमें बताया है इतने डिटेल्ड वे में, उसमें मैंने पिछले साल के प्लेसमेंट का कुछ आइडिया दिया हुआ, और वो आप लोगों को देखना नहीं है, मतलब यार वीडियो बना हुआ चैनल पे, आई थिंक 3-4 वीडियो पहले ही होगा, आप जाके देखिएगा, NIT जमशेदपुर प्लेसमेंट 2021 ये टाइटल होगा आई गेस। उसमें काफ़ी डिटेल में एवरेज पैकेज, मीडियन पैकेज, परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट, कौन कौन सी कंपनी चाहिए, सारा कुछ मैंने बताया हुआ उस वीडियो में, लिंक दे दे रहा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख लीजिएगा। और प्लेसमेंट को लेकर कुछ अलग तरह के भी सवाल थे जो मैं अभी आगे बताऊंगा। एक और कॉमन सवाल जो देखने के लिए मिला इस केवल उसी Q&A वाले कमेंट सेक्शन में ही नहीं, बल्कि मतलब सारे वीडियो कमेंट सेक्शन में भर भर के मिल रहा देखने के लिए, भैया मेरा रैंक कितना है, मेरा कैटेगरी रैंक कितना है, मुझे ये कॉलेज का ये ब्रांच मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो भाई मुझे कैसा सवाल है यार, मुझे खुद सोचो कि यार मुझे याद रहता है कि हर एक कॉलेज का कौन से ब्रांच का कितना कट ऑफ वगैरह गया है। ऑब्वियस बात है, मैं खुद आप लोगों को इंटरनेट पर से चेक करके ही बताता हूँ, कई सारी वेबसाइट्स हैं आप खुद भी चेक कर सकते हैं, मैं खुद आपका कॉलेज प्रवेश वेबसाइट से चेक करता हूँ, काफ़ी कन्वीनियंट लगता है, कई लोग जान भी रहे होंगे, और वो भी किसी को देखने नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके देख लीजिएगा। एक सवाल और आया था मुझे, क्या भाई इस साल का कट ऑफ गिरेगा। देखिए मैं प्रेडिक्ट तो नहीं कर रहा हूँ, पर अगर मुझे कुछ कोई एक चीज़ चूज करना रहे, तो मुझे जैसा समझ में आ रहा है कि जो इंजीनियरिंग का क्रेज ऐसा दिखने में आ रहा है कि घटते जा रहा है धीरे धीरे, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई मतलब मेजर ड्रॉप आ जाएगा कट ऑफ में आपका, कि 5000 का 3000 का रैंक अंतर आ गया, पर ये हो सकता है 100-200 रैंक, 500 रैंक या 700-800 तक रैंक में आपको हो सकता है कि डिफरेंस देखने के लिए मिल जाए पिछले साल या उसके पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल में, अगर आप कंपेयर करिएगा तो। आई होप यहाँ तक काफ़ी सारे लोगों को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और अगर जवाब मिल गया फिर भी उन्होंने वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया तो फिर चीटिंग नहीं चलेगा, लाइक कर दीजिए वीडियो को और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका जो डाउट कन्फ्यूजन था वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कुछ स्पेसिफिक सवाल के ऊपर, जो मैं देखता हूँ कम्युनिटी टैब में आप लोग क्या क्या कमेंट किया था। तो भास्कर कुमार ने पूछा हुआ है कि वाई प्लेसमेंट ऑफ सिविल इन NIT JSR इज लेस इवन वेन ब्रांच लाइक मेटलर्जी एंड प्रोडक्शन हैज डिसेंट प्लेसमेंट। तो मैंने पहले ही बताया हुआ है कि अगर आप बाकी सब कॉलेज से कंपेयर करिएगा तो सिविल का प्लेसमेंट यहाँ पे ख़राब नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मेटलर्जी और प्रोडक्शन का प्लेसमेंट काफ़ी बढ़िया है ब्रांच के हिसाब से। ये नहीं है कि आप वो आप कंपेयर कर रहे हो, उस कॉलेज का प्लेसमेंट देख रहे हो तो आपको ये लग रहा है कि अरे अरे भाई मेटलर्जी और प्रोडक्शन तो और लोअर रैंक पे मिलता है फिर भी प्लेसमेंट इसका बेटर है सिविल से, तो आपको लग रहा है सिविल का प्लेसमेंट ख़राब है। ऐसा नहीं, आप सिविल के यहाँ का जो प्लेसमेंट आपको दिख रहा है उस प्लेसमेंट को आप दूसरे कॉलेज से कंपेयर करिए, तब आपको समझ में आएगा सिविल का क्या है। और ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिविल का प्लेसमेंट बहुत तगड़ा होता है, क्योंकि तगड़ा तो वैसा कहीं पे भी नहीं होता किसी भी कॉलेज में सिविल का प्लेसमेंट। तो ये चीज़ है यहाँ पर कि मेटलर्जी और प्रोडक्शन का आपका बढ़िया प्लेसमेंट है, इंडस्ट्रियल रीजन भी है, टाटा वगैरह भी, टाटा के ये 3-4 कंपनीज है जो ले करके जाती है कोर वगैरह में, तो ये सब चीज़ है। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा आप लोगों से, कई सारा कमेंट ये आया हुआ था कि कॉलेज वर्सेस कॉलेज, मीन्स कॉलेज कंपैरिजन था या ब्रांच कंपैरिजन, कि मैं NIT जमशेदपुर में इलेक्ट्रिकल लूँ या कहीं और पे मैकेनिकल लूँ या इसी लूँ क्या लूँ, इस तरह से जो कमेंट आया हुआ था, मैं एक अगला वीडियो लेके आने जा रहा हूँ ब्रांच के ऊपर ही, बहुत ही शानदार वे में बढ़िया तरीके से आप लोगों को ब्रांच
कैसे चूज करना है, ब्रांच कैसे चूज करना है, कॉलेज कैसे आप डिफरेंशिएट चूज कर सकते हैं, क्या क्या प्रेफरेंस होना चाहिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं एक मतलब स्क्रिप्ट तो लिख चुका हूँ मैं उसका, पर टाइम अभी नहीं मिल पा रहा था, वो मैं वीडियो बना नहीं पाया, पर अगला वीडियो मैं उसी के ऊपर लेकर के आऊँगा। मतलब काफ़ी बढ़िया से मैं आपको समझाऊँगा इस वीडियो में कि कैसे आप चूज कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कि कहाँ आपको जाना है, तो थोड़ा वेट कर लीजिए, उसमें आपका ये सब डाउट क्लियर हो जाएगा, और नहीं होगा तो फिर उसके बाद फिर मैं फिर एड्रेस करूँगा उन सब डाउट्स को। एक ने ये सवाल पूछा हुआ है कि डू फेमस सेलिब्रिटीज़ कम इन कॉलेज फेस्ट, तो जी हाँ आते हैं। मतलब हमने तो फेस्ट देखा ही नहीं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि फेस्ट होने के समय ही कॉलेज बंद हो गया था होली के समय, तो हाँ स्पोर्ट्स फेस्ट हुआ था, तो कल्चरल फेस्ट वगैरह हुआ नहीं, पर हाँ काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आते हैं, जो भी नौटियाल वगैरह हो गया, और भी कई सारे लोग हैं जो उस समय मुझे नाम याद था, अब तो थर्ड ईयर में आ गए, फेस्ट का कुछ नामो निशान रहा भी नहीं, तो याद भी नहीं कौन कौन सेलिब्रिटीज़ आते हैं, पर आते हैं कई सारे सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े ही आते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। और एक सवाल ये भी पूछा इन्होंने कि हॉस्टल लाइफ क्वालिटी एंड मेस फूड क्वालिटी कैसा है, तो हॉस्टल लाइफ तो बवाल है, मस्त है, ठीक है। और हॉस्टल कैसा है, तो फोर्थ ईयर हॉस्टल छोड़ करके मुझे सारा बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर हॉस्टल तीनों बहुत पसंद आता है। फोर्थ ईयर का जो आपका कैंपस है हॉस्टल का वो काफ़ी सही है, अंदर आपका कोर्ट वगैरह भी है, बास्केटबॉल कोर्ट और भी चीज़ें, हॉकी ग्राउंड भी अंदर ही है फोर्थ ईयर हॉस्टल में, पर वहाँ का जो हॉस्टल्स है वो थोड़ा मुझे वेंटिलेटेड उतना नहीं लगता, उतना पसंद नहीं आता, थोड़ा कंजेस्टेड टाइप का फील होता है फोर्थ ईयर हॉस्टल, बाकी सब बढ़िया है। मेस फूड क्वालिटी तो यार शुरुआत में गया था तो अच्छा लगा था मुझे, पर वही ये खाते खाते फिर मतलब एकदम कतई एवरेज लगने लग गया, पर ये रहता है कि आपका वैरायटी मेंटेन रहता है। मैंने आपका एनआईटी जमशेदपुर का जो मैंने रिव्यू वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपका मेस मेन्यू भी बताया है, ठीक है, और सारा डिटेल में मैंने बताया है फूड क्वालिटी का, हॉस्टल लाइफ वगैरह का। जो लोग मैंने एनआईटी जमशेदपुर का रिव्यू वीडियो नहीं देखे और यहाँ एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आप जरूर देख लीजिएगा, मैंने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में उसमें कवर कर लिया, हॉस्टल हो गया, मेस फैसिलिटी हो गया, स्पोर्ट्स फेस्ट हो गया, आपका फिर एकेडमिक फैसिलिटीज़ भी हो गया, तो कई सारी चीज़ उसमें कवर्ड है, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, तो आप जरूर देख लीजिएगा उसे जाकर के, लिंक मैं दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। और आगे बढ़ने से पहले मैंने देखा भी काफ़ी लंबा वीडियो शूट हो गया है, और लंबा वीडियोज आप लोग देखना जनरली प्रेफर करते नहीं है, तो मुझे लगा कि इस वीडियो को दो पार्ट में कर देना चाहिए, जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चन जो आप लोगों ने कमेंट किया है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट के Q&A के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट और मज़ेदार सवाल बचे हुए हैं। जैसे कुछ बच्चे ने ये भी पूछा हुआ है कि NIT जमशेदपुर का इतना इंप्रेसिव जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है उसका राज क्या है, ठीक है, और कितना रिलाई कर सकते हैं हम इस पर, या क्या ये आगे कंटिन्यू होगा या नहीं होगा, तो इस बात को मैं ये राज जो है मैं अगले वीडियो में ही खोलूंगा। और ये भी हो गया सवाल है कि कॉलेज के फैकल्टीज़ कैसे हैं, प्रोफेसर कैसे हैं, कॉलेज का कम से सबसे कम एकेडमिक लोड वाला या चिल ब्रांच कौन सा है, ये सब और भी कई चीज़ों पर मैं अगले वीडियो में बात करूँगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा करके जुड़े जरूर रहिएगा। आज 25th है आपका, 28th को मॉर्निंग में अराउंड 10 AM आपका वीडियो आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा, तो फिर आप वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और किसी ने अभी तक अपना कोई डाउट कमेंट नहीं किया तो आप इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, अगर मुझे कुछ यूनिक डाउट लगेगा तो मैं कोशिश करूँगा कि अगले Q&A वाले पार्ट में उसे इंक्लूड कर लूँ। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।